सुप्रभात सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी के पंख में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा तीन के हिंदी पाठ्यपुस्तक से शेखीबाज मक्खी पाठ के प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को। सबसे पहले जो शीर्षक है वह है कैसी लगी कहानी। तो आइए जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को तथा उनके उत्तरों को। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो सबसे पहला प्रश्न यही है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने अपने चालाकी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। इस उत्तर को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इस कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने अपने चालाकी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। प्रश्न को एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो जैसा कि हम लोग इस कहानी में पढ़े थे कि मक्खी अंत में मकड़ी की जाल में फंस गई थी, अब हम लोगों को इसके आगे की कहानी बताना है और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मक्खी जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की होगी लेकिन वह और बुरी तरह से फंस गई होगी और अंत में मकड़ी से माफ़ी मांग ली होगी। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देता हूँ, मक्खी जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की होगी लेकिन वह और बुरी तरह से फंस गई होगी और अंत में मकड़ी से माफ़ी मांग ली होगी, उसे अपने किए का फल मिल गया होगा। एक बार और मैं इस उत्तर को बोल देता हूँ, मक्खी जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की होगी लेकिन वह और बुरी तरह से फंस गई होगी और अंत में मकड़ी से माफ़ी मांग ली होगी, उसे अपने किए का फल मिल गया होगा। अब अगला शीर्षक है कहानी का नाम। इस शीर्षक के अंतर्गत दो प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। प्रश्न एक बार और समझिए, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। इस प्रश्न में हम लोगों को कहानी का नाम बताना है लेकिन कहानी का जो नाम होगा उसमें मक्खी को ध्यान में नहीं रखना है, हमें लोमड़ी को ध्यान में रखकर और शेर को ध्यान में रखकर शीर्षक देना है। तो कुछ शीर्षक हो सकते हैं जैसे लोमड़ी की चालाकी, लोमड़ी का सबक, चतुर लोमड़ी, शेर और मक्खी, शेर को हराया मक्खी ने, जंगल का राजा मक्खी से हारा। तो ये कुछ शीर्षक हैं, आप लोग अपने से भी इस कहानी के और नाम दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं सभी नामों को बोल देता हूँ, लोमड़ी को ध्यान में रखकर लोमड़ी की चालाकी, लोमड़ी का सबक, चतुर लोमड़ी, शेर को ध्यान में रखकर शेर और मक्खी, शेर को हराया मक्खी ने, जंगल का राजा मक्खी से हारा। अगला प्रश्न है,
अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। इस प्रश्न में भी हमें इस कहानी का नाम देना है, लेकिन कहानी का नाम देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि किसी पात्र पर आधारित वह नाम नहीं होना चाहिए। यानी कहानी में जितने जानवर आए हुए हैं उन जानवरों को आधार मानकर हमें कहानी का नाम नहीं देना है। हम लोग जो नाम देंगे वह किसी घटना के बारे में हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह होगा, इस कहानी का पहला शीर्षक हम लोग दे सकते हैं घमंड का फल, और दूसरा शीर्षक दे सकते हैं घमंड की सजा। घमंड का फल और घमंड की सजा इस कहानी के शीर्षक हो सकते हैं। अब हम अगले शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको जानेंगे। अगला शीर्षक है शेर की जगह तुम। शेर की जगह तुम, पहला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। एक बार फिर से इस उत्तर को सुन लीजिए। मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। दूसरा प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? प्रश्न एक बार फिर से, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? इस प्रश्न का उत्तर है, मैं अपने भाई को कहानी सुनाते सुनाते उब जाता हूँ। मैं अपने भाई को कहानी सुनाते सुनाते उब जाता हूँ। तीसरा प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। प्रश्न एक बार फिर से, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। इस प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हमें शेर बनकर मक्खी ने जो जो हमारे साथ किया है उस कहानी को लोमड़ी से सुनाना है। तो कैसे सुनाएंगे जरा ध्यान से समझिए। लोमड़ी बहन, आज तो गजब हो गया। मैं जब सो रहा था उसी समय एक मक्खी मुझे परेशान करने लगी। मैं उसे समझाना चाहता था पर वह तो लड़ने को तैयार हो गई। मैं उसे पंजा मारता तो वह उड़ जाती और चोट मुझे ही लग जाती। अंत में मैंने उससे हार मान ली। अब वह अपने आप को राजा मान बैठी है और घमंड में चूर होकर घूम रही है। ज़रा उसे मज़ा चखाओ बहन। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देता हूँ। लोमड़ी बहन, आज तो गजब हो गया। मैं जब सो रहा था उसी समय एक मक्खी मुझे परेशान करने लगी। मैं उसे समझाना चाहता था पर वह तो लड़ने को तैयार हो गई। मैं उसे पंजा मारता तो वह उड़ जाती और चोट मुझे ही लग जाती। अंत में मैंने उससे हार मान ली। अब वह अपने आप को राजा मान बैठी है और घमंड में चूर होकर घूम रही है। जरा उसे मजा चखाओ बहन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, और इस प्रश्न में यह कहा गया है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? इसमें पहला प्रश्न है अक्सर और दूसरा है कभी कभी।
इसमें दो उत्तर देना है। भोजन करने के बाद अक्सर तुम क्या करते हो वह बताना है, और भोजन करने के बाद कभी कभी तुम क्या करते हो वह भी बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अक्सर टहलता हूँ और उसके बाद लेट जाता हूँ। अक्सर टहलता हूँ और उसके बाद लेट जाता हूँ। कभी कभी मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। कभी कभी मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न में यह है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। प्रश्न एक बार फिर से, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है, शेर हिरण का कच्चा मांस खाया होगा। शेर हिरण का कच्चा मांस खाया होगा। मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, मिठाई आदि खाता हूँ। मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, मिठाई आदि खाता हूँ। अगला शीर्षक है, किसने क्या कहा। किसने क्या कहा के अंतर्गत जो प्रश्न है उसमें यह कहा गया है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। प्रश्न एक बार फिर से, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत कुल पांच तस्वीरें दी गई हैं, जिसमें कहानी के पात्र कुछ बोल रहे हैं। उन पात्रों के बोले हुए बात को हमें दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चित्र है, उस चित्र में मक्खी बोल रही है, और मक्खी जो बोल रही है वह क्या बोल रही है। तो मक्खी के बात को हम लिख सकते हैं, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। दूसरा जो चित्र है, इसमें शेर बोल रहा है, शेर के बात को हम लिखेंगे, मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। तीसरा जो चित्र है, इसमें मक्खी बोल रही है, मक्खी के बात को हम लोग लिखेंगे, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। यहाँ मक्खी हाथी से बोल रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। चौथा चित्र जो है, इसमें मक्खी लोमड़ी से बोल रही है, तो मक्खी के बात को हम लोग लोमड़ी से बोलने के लिए लिखेंगे, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। और पांचवा जो चित्र है, इसमें लोमड़ी बोल रही है, और यह लोमड़ी मक्खी से बोल रही है, तो लोमड़ी के बात को हम लोग लिखेंगे, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। इसी के साथ किसने क्या कहा शीर्षक समाप्त हुआ, और अगला शीर्षक जो है वह है कौन क्या। कहानी के हिसाब से बताओ, इस प्रश्न के अंदर कुछ विशेषता बताने वाले शब्द दिए गए हैं, हमें कहानी के पात्रों के हिसाब से उनकी विशेषता बतानी है। सबसे पहले है घमंडी, कहानी में घमंडी कौन था, घमंडी मक्खी थी, तो लिखेंगे घमंडी मक्खी। चतुर, इस कहानी में चतुर कौन था, हम लोग लिखेंगे चतुर लोमड़ी, क्योंकि कहानी में लोमड़ी सबसे चतुर थी।
अगला है समझदार। समझदार कौन था? समझदार हाथी था, तो हम लोग लिख देंगे समझदार हाथी। अगला है डरपोक। डरपोक कौन था? डरपोक शेर था, तो हम लिखेंगे डरपोक शेर। सबसे चतुर, इस कहानी में सबसे चतुर तो लोमड़ी थी, तो हम लिखेंगे सबसे चतुर लोमड़ी। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी, आलसी कौन था? हाथी, लिखेंगे आलसी हाथी। आलसी हाथी। तो इस तरह से कौन क्या शीर्षक भी समाप्त हो गया। अब अगला जो शीर्षक है वह है चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। अब पहला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैं चुटकी बजाते ही स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। और भी बहुत सारा काम जो आप जल्दी कर लेते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी काम आप जल्दी से कर लेते हैं उन कामों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं चुटकी बजाते ही स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही खाना खा लेता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही दूध पी लेता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही प्रश्नोत्तर याद कर लेता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही अपना बैग तैयार कर लेता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही स्कूल पहुँच जाता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही खेल समाप्त कर लेता हूँ। मैं चुटकी बजाते ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी काम जो जल्दी कर लेते हैं उन कामों को लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो यह एक बहुत ही सुंदर क्रियाकलाप है और इस क्रियाकलाप में चुटकी बजाते ही काम करने के लिए टोली में से किसी भी एक सदस्य को काम देना है और जो काम जल्दी कर लेगा वही लीडर बन जाएगा। यह क्रियाकलाप घर पर सदस्यों के साथ या साथियों के साथ किया जा सकता है, बहुत मज़ा आएगा। इसे आप लोग ज़रूर कीजिए और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को जोड़िए और उन प्रश्नों को हल करने के लिए अपने मित्र से कहिए और जो भी जल्दी से हल करेगा वह लीडर बन जाएगा। अगला शीर्षक है रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढो शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न है, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से समझिए, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। इन पांचों रास्ते को देखने के बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 और रास्ता नंबर 5 में जो मकड़ी की जाले हैं वह बहुत कम हैं। लेकिन रास्ता नंबर 4 जो है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जालें मकड़ी को मिलेंगी, इसलिए मकड़ी रास्ता नंबर 4 का प्रयोग करेगी और रास्ता नंबर 4 में मकड़ी को सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगी। तो रास्ता नंबर 4 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले शीर्षक की तरफ।
अगला शीर्षक है भाषा की बात। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। इस प्रश्न के अंतर्गत कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हम अपने तरह से कैसे बोलेंगे, अपने भाषा में, अपने शब्दों में हम कैसे इसको बोलते हैं, हमें यह लिखकर बताना है। सबसे पहला वाक्य है, शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा के लिए हम कह सकते हैं, शेर गुस्सा से लाल हो गया। शेर गुस्सा से लाल हो गया। दूसरा वाक्य है, उसकी जरा खबर लो ना। उसकी जरा खबर लो ना, इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं, जरा उसके पास जाओ। जरा उसके पास जाओ। तीसरा वाक्य है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, इसके जगह पर हम कह सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं तुरंत समाप्त कर दूँगी। उस मकड़ी को तो मैं तुरंत समाप्त कर दूँगी। चौथा वाक्य है, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इस वाक्य के जगह पर हम बोल सकते हैं, जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता। जंगल का राजा ऐसी बात नहीं कहता। इसी के साथ भाषा की बात समाप्त हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले शीर्षक की तरफ। अगला शीर्षक है, उड़ते मंडराते। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास, जलते बल्ब के आसपास कीड़े और छिपकली मंडराते हैं। जलते बल्ब के आसपास कीड़े और छिपकली मंडराते हैं। खेतों में, खेतों में केंचुए और टिड्डे मंडराते हैं। खेतों में केंचुए और टिड्डे मंडराते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी मंडराते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी मंडराते हैं। फूलों पर, फूलों पर तितली और मधुमक्खी मंडराते हैं। फूलों पर तितली और मधुमक्खी मंडराते हैं। कचरे के ढेर पर, कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी मंडराते हैं। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खी मंडराते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी मंडराते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी मंडराते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम शीर्षक के तरफ। अंतिम शीर्षक है, कौन है शेखीबाज। कौन है शेखीबाज, प्रश्न है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो। कौन है वह, वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है। प्रश्न एक बार फिर से, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो। कौन है वह, वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाँ मेरे दोस्त का भाई। वह अपने क्रिकेट खेलने के बारे में हमेशा शेखी बघारता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हाँ मेरे दोस्त का भाई। वह अपने क्रिकेट खेलने के बारे में हमेशा शेखी बघारता रहता है। तो इस तरह से हमने शेखीबाज मक्खी के सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना और एक एक शीर्षक के उत्तरों को जानने के बाद आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्न और तथा उसके उत्तरों को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।